सुपरबिट सुपर प्रेशर बैलून बॉन इमेजिंग टेलीस्कोप सुपरबिट एक अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन वैज्ञानिक उपकरण है जिसे आकाशगंगा समूहों के सटीक कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। डरहम विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और नासा की संयुक्त परियोजना के रूप में सुपरबिट का उद्देश्य आकाशगंगा समूहों और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना में डार्क मैटर की उपस्थिति और वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। सुपरबिट समकक्ष उपग्रह की तुलना में सस्ता है। इसकी लागत लगभग 4 पाउंड और 10 पेंस मिलियन $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी कम लागत के बावजूद सुपरबिट में नियर इंफ्रारेड 900 NM से नियर अल्ट्रावायलेट 300 NM तक ऑप्टिकल संवेदनशीलता की एक प्रभावशाली रेंज है। सुपरबिट का मुख्य उद्देश्य डार्क मैटर एक अदृश्य और सघन पदार्थ की विशेषताओं का आकलन करना है। जिस तरह से डार्क मैटर प्रकाश की किरणों को मोड़ता है उसका अवलोकन करके वैज्ञानिक आकाशगंगा समूहों में इसके वितरण को मैप कर सकते हैं। अपनी पहली उड़ान के दौरान सुपरबिट ये जांचने का प्रयास करेगा कि क्या डार्क मैटर के कण आकाशगंगाओं के समूहों के चारों ओर डार्क मैटर वितरण का नक्शा बनाकर एक दूसरे से टकरा सकते हैं जो अपने पड़ोसी समूहों से टकराने की प्रक्रिया में हैं। सुपरबिट डार्क मैटर के वितरण को ये देखकर मैप करता है कि यह प्रकाश के मार्ग को कैसे मोड़ता है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक डार्क मैटर के वितरण का एक नक्शा बना सकते हैं और इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। 16 अप्रैल 2023 को इसके लॉन्च के दौरान ली गई सुपरबिट की पहली छवियों में टारंटुला नेबुला और एंटीना आकाशगंगाओं के बीच टकराव शामिल है। टारंटुला नेबुला आयनित हाइड्रोजन गैस का एक विशाल तारा गठन क्षेत्र है जो बड़ी मैगेलनिक बादलों में पृथ्वी से 161,000 प्रकाश वर्ष स्थित है। इस क्षेत्र के भीतर चमकीले नवगठित तारे धूल और गैस के घूमने वाले बादलों से घिरे हुए हैं जो अशांत प्रतीत होते हैं। एंटीना आकाशगंगाएं एनजीसी 4038 और एनजीसी 4039 दो बड़ी आकाशगंगाएं हैं जो 60 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोर्विस के दक्षिणी तारामंडल की ओर टकरा रही हैं।